Hello students, how are you? I hope you all are good. Yes, today we are going to start our new chapter which name is The King as Servant. So, let's know the meaning of these words. First is stern. Stern means strict. Bearing means bahadur. Nightfall, dusk. Custom is riti, Rivaj, rituals. स बुद्धिमानी इंटेलिजेंस बिगिन किंग कैमरा वॉज अ प्राउड एंड स्टर्न मैन जो यहाँ पर बात हो रही है बच्चे किंग कैमरा की वो कैसे थे प्राउड एंड स्टर्न मैन स्ट्रिक्ट मैन ओके सो डायलॉग्स में है बच्चे स्टोरी सो लेट्स बिगिन देन सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पर कौन है बच्चे जो ये पीपल है तो वो सब्जेक्ट है ठीक है तो देन आई एम अ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड स वी आर तो अब यहाँ पर कौन बोल रहे है ये किंग कैमरा किसको बोल रहे है अपने सब्जेक्ट्स को बोल रहे है कि लोगो तुम क्या हो मैं तुम्हारा मास्टर हूं ठीक है आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड और मैं वर्ल्ड का मास्टर हूं जो तुम लोग हो वो मेरे सर्वेंट हो हो ना तो उनका आंसर अच्छा जवाब में क्या आता है यस वी आर और एक का आवाज क्या आ रही है देखेंगे यहाँ पर बच्चे नीचे तो बोला है नो वी आर नॉट और यहाँ पर मना कर रहा है। शो मी योर फेस पर अब क्या जैसे उसको आवाज आती है कि किसी की जिसने मना किया तो जोर से बोलता है कि ये किसने बोला है और किसकी हिम्मत है मेरे आगे अपना फेस दिखाओ शो मी योर फेस देन यू आर किंग तो ऐसे बोलता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है हु आर यू तुम कौन हो ठीक है देन माई नेम इज बाबू बेकर आई से दैट वी ऑल पीपल आर सर्वेंट्स टू वन एन अदर सो यहाँ पे वो क्या बोलता है जैसे उसने मना किया और उसको बुलाया गया तो बोलता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के ही सर्वेंट्स हैं ठीक है ऐसा नहीं कि हम सब आपके सर्वेंट्स हैं इवन हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो हम किसके लिए सर्वेंट हैं टू वन एन

आई वेल मस्ट बी डग इन योर विलेज सो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ क्योंकि मैं अपने विलेज से आया हूँ जहाँ पर वेल नहीं है पानी की कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ पर हम क्या चाहते है आई है वेल एंड मस्ट बी डग इन आर विलेज की हमारे गाँव में क्या बनना चाहिए एक कुआ बनना चाहिए सो यू आर अ बैगर ये यू आर डेयरिंग इनफ टू कॉल मी अर्वेंट और तुम बैगर हो और मुझसे मांगने आयो फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम क्या बोल रहे हो की मैं भी सर्वेंट हूँ

डू दैट और एज योर हैड विल फॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड सो डू दैट वो बोलते हैं हाँ करो और जब तक नहीं कर सकते तो तुम क्या करने वाले होड विल फॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड तुम्हें अपना सर नीचे झुकाना पड़ेगा देन किंग यू हैव गिवन मी अ चैलेंज इन माइ विलेज वेन वी एक्सेप्ट अ चैलेंज विच द चैलेंजेस फीट सो यहाँ पे बोलता है किंग आपने क्या दिया मुझे यू हैव गिवन मी अ चैलेंज मुझे एक चैलेंज दिया है और उसमें क्या करना है अगर मेरे गांव में ऐसा होता है इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं तो आपको ये क्या करना पड़ेगा तो हम सभी क्या बनेंगे आपके चैलेंजर्स को आपके फीट को सब छुएंगे दैट इज अ स्ट्रेंज कस्टम ये बहुत स्ट्रेंज कस्टम है ठीक है रिचुअल्स है देन नाउ लेट मी टच योर फीट प्लीज होल्ड दिस स्ट्रिक्स सो आई कैन बेंड डाउन तो बोलता है कि हाँ मुझे अपने पैरों को छूने दो प्लीज होल्ड दिस स्ट्रिक एंड और क्या करो ये जो स्ट्रिक है इसको होल्ड करो सो आई कैन बैंड डाउन ताकि मैं झुक पाऊं तो वो ये जो आपको दिख रहा है बच्चे फिगर में क्या दिख रहा है एक स्ट्रिक नजर आ रही है ये वाली तो ये क्या करता है उस स्टिक को देता है और उसके पैरों में झुक जाता है नाउ यू मे गिव माई स्टिक बैक लाइए अब मेरी जो स्टिक है वो मुझे वापस दे दीजिए नाउ यू मस्ट गेट रेडी टू फिलफिल द चैलेंज So, अब आप ये जो चैलेंज है इसको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। बट आई हैव ऑलरेडी फुलफिल द चैलेंज तो बोलता है कि लेकिन मैं तो जो चैलेंज आपने मुझे दिया था ठीक है तो वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं लेकिन वो पूछता है कब अ सर्वेंट डज वट अनदर पर्सन टेल्स हिम टू डू इज दिस ट्रू यस इट इज तो बोलता है कि जो सर्वेंट है वो क्या करता है हिम अगर दूसरा कोई उसको बताता है बोलता है अगर वो ऐसा करता है तो क्या है सही है तो बोलता है, हाँ? अगर दूसरा करता है तो इसका मतलब सही है वो है ना क्या किसी ने बोला और दूसरे ने कर दिया तो क्या हुआ इसका मतलब वो क्या हुआ उसका सर्वेंट हो गया देन आई आस्ट यू टू होल्ड माइ स्टेक्स विच यू डिड एंड देन आई आस्ट यू टू गिव बैक माई स्टेक Which you दैट यू हैव वर्कड servant टू मी तो यहाँ पे क्या किया जैसे ही मैंने आपको अपनी स्टिक दी तो आपने उसको होल्ड कर लिया और फिर मैंने बोला इसको वापस दो तो आपने वापस भी दिया इसका मतलब आपने जो मैंने बोला वो आपने बात मानी तो आप क्या हो गए आप तो सर्वेंट हो गए ना क्योंकि सर्वेंट तो यही करता है कि जो कोई बोलता है तो उसकी आज्ञा का पालन करता है तो आपने वही चीज की है आई एम प्लीज विद योर वेट और क्या बोलता है जैसे किंग बहुत खुश हो जाता है और उसकी इंटेलिजेंस के लिए उसकी बुद्धिमता के लिए उसको सराहना देता है खुश होते हुए आई विल गेट थ्री वेल्स डग इन योर विलेज नॉट ओनली दिस यू विल बी माई एडवाइजर फ्रॉम नाउ और क्या बोलता है कि सिर्फ यही नहीं देने वाला तुम्हारे गांव के अंदर मैं तीन वेल्स को डग कराने वाला हूं मतलब तीन कुएं बनवाने वाला हूं यही नहीं इवन आप मेरे क्या बनने वाले हो एडवाइजर हो आज से ठीक है तो इस तरह से दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे किस तरह से यहाँ पर इंटेलिजेंस को प्रूफ किया है तो आपने भी देखा और प्यारी सी स्टोरी को दोबारा पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे डू योर सेल्फ